हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं आज इंग्लिश क्लास चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मे और माइट बी, मे बी और माइट बी का यूज देखेंगे कि हम कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल आज इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मे बी और माइट बी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिये, मे बी और माइट बी मतलब क्या होता है? शायद ऐसा हो रहा है, शायद ऐसा हो रहा होगा, है ना। जब दोनों में से सेंटेंस के एंडिंग में ऐसा आएगा तो आप मे बी और माइट बी मॉडल लगाएंगे। शायद ऐसा हो रहा है, शायद ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, का स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ कैसे सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको हर उसमें स्ट्रक्चर्स बताती हूँ कि एक सेंटेंस कैसे पूरा बनता है। पहले हम कौन सी चीज लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल आता है मे बी या माइट बी, दोनों में से कोई एक, और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्यों आईएनजी फॉर्म का मैंने आपको शुरू से बताया, हो रहा है कंटिन्यू रहेगा आखिरी में, तो आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ मे बी और माइट बी कैसे लगाते हैं। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, वे शायद लौट रहे होंगे, है ना, रहे होंगे कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो वे शायद लौट रहे होंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या बोलते हैं, दे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, अपने को मॉडल लगाना है, मे बी या माइट बी, दोनों में से कोई एक, ठीक है, रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिया है, मॉडल माइट बी। अब लौटने को क्या बोलते हैं, रिटर्न, लेकिन यहाँ पे एनजी फॉर्म लगाना है क्योंकि ये रहे कंटिन्यू है यहाँ पे, तो रिटर्न का एनजी फॉर्म क्या होगा, रिटर्निंग, है ना, दे माइट बी रिटर्निंग, ठीक है फ्रेंड। समझ में आया ये सेंटेंस कैसे बना पूरा? तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह दूसरा एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, वह शायद पतंग उड़ा रहा है, वह शायद पतंग उड़ा रहा है, शायद आ रहा है और उड़ा रहा है। तो यहाँ पे अपने को कौन सा मॉडल आएगा, वही मे बी या माइट बी आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, ही, तो आपको यहाँ पे शायद उड़ा रहा है, तो कौन सा मॉडल लगाना है, मे बी या माइट बी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, माइट बी, ही माइट बी, उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं, बट यहाँ पे मैंने फ्लाइंग क्यों लिया, रहा है ना, रहा है कंटिन्यू है, तो फ्लाई का आई एनजी फॉर्म हो जाएगा फ्लाइंग काइट, ठीक है, पतंग को काइट बोलते हैं, ही माइट बी फ्लाइंग काइट, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, और एग्जाम्पल देख के मैं आपको बता देती हूँ, वह शायद मोबाइल पर बात कर रही है, ठीक है, वह शायद मोबाइल पर बात कर रही है, शायद कर रही है, कंटिन्यू है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा मॉडल आएगा, माइट बी या मे बी, ठीक है। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी, ठीक है। अब कौन सा मॉडल लगाना है, माइट बी, है ना, सी माइट बी। टॉक, बात को क्या बोलते हैं, टॉक बोलते हैं, बट यहाँ पे कर रही, कंटिन्यू कर रही है, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो टॉकिंग किस पे, मोबाइल पर, है ना, पर के लिए ऑन मोबाइल, ठीक है, सी माइट बी टॉकिंग ऑन मोबाइल, ठीक है फ्रेंड। समझ में आया कैसे मैंने सेंटेंस बनाया? तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, आपको और थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सर शायद बच्चों को दंडित कर रहे हैं, ठीक है, सर शायद बच्चों को दंडित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद आ रहा है, कर रहे आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा मॉडल आएगा, यही मे बी या माइट बी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, सर, तो यहाँ पे सर, मॉडल आपको कौन सा लगाना है, माइट बी, सर माइट बी। दंडित को क्या बोलते हैं, पनिश बोलते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा पनिश का, तो पनिशिंग बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, सर माइट बी पनिशिंग चिल्ड्रन। तो फ्रेंड, ये था मे बी माइट बी का यूज, आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसको दो तीन बार देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, मस्ट बी का यूज बताती हूँ। मे बी माइट बी हो गया, अब इस तरह मस्ट बी का यूज बताती हूँ। तो मस्ट बी मतलब क्या होता है,
अब वहाँ पे शायद था, मे बी और माइट बी का शायद था, अब यहाँ में मस्ट यानी क्या हो गया, जरूर है ना, तो यहाँ पे जरूर ऐसा हो रहा है, जरूर ऐसा हो रहा होगा, जब इस टाइप का सेंटेंस बनेगा, जरूर ऐसा हो रहा है, जरूर ऐसा हो रहा है, जब ऐसा सेंटेंस बनेगा तब आपका क्या लगेगा, मस्ट बी लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ कैसे एक पूरा सेंटेंस बनता है। तो आपको स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद में जो मॉडल आएगा मॉडल लेंगे, तो यहाँ पे मॉडल हम कौन सा यहाँ पे बताने जा रही हूँ, मस्ट बी, मस्ट बी, और रहा है, रही रहा है, रहा होगा, कंटिन्यू है, तो इसलिए मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, वह जरूर इंग्लिश सीख रही होगी, ठीक है, जरूर आ रहा है, रही होगी, ठीक है, तो अपने को कौन सा मॉडल लगाना है, मस्ट बी लगाना है, तो अपना सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, सी, और कौन सा मॉडल लगाना है यहाँ पे, क्योंकि जरूर है ना, मस्ट का मतलब क्या होता है, जरूर रही होगी, तो यहाँ पे मस्ट बी मॉडल आएगा, सी मस्ट बी, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं, लेकिन कंटिन्यू है, रही है ना, रही होगी, तो इसलिए कंटिन्यू रहेगा, तो लर्न का एनजी फॉर्म हो जाएगा लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, सी मस्ट बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है, ठीक है, जरूर कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मॉडल लगाना है, यहाँ पे भी मस्ट बी मॉडल आएगा, ठीक है, तो कोई अपना सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समबडी, ठीक है, समबडी, अब मॉडल कौन सा लगाना है, मस्ट बी, मस्ट बी, पीछा को क्या बोलते हैं, फॉलो बोलते हैं, लेकिन यहाँ कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो उसका पीछा का फॉलो का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, फॉलोइंग, और यहाँ पे हमारा जब ऑब्जेक्ट में आता तो क्या हो जाता है, अस, ठीक है, Somebody must be following us. ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपको और एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाता है, कि देखिए यहाँ पे मैंने और एग्जाम्पल लिया है, वह जरूर त्याग पत्र दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी जरूर दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा मॉडल आएगा, मस्ट भी आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, वह को क्या बोलते हैं, ही, अपने को मॉडल कौन सा लगाना है, जरूर वाला कर रहा है, रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, मस्ट बी, ही मस्ट बी, अब त्याग पत्र देने क्या बोलते हैं, रिजाइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रहा, रहा कंटिन्यू है ना, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा, रिजाइन का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, रिजाइनिंग, ही मस्ट बी रिजाइनिंग। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया कैसे ये सेंटेंस बना, कैसे मैंने यहाँ पे मॉडल एडजस्ट किया। तो इसी तरह चलिए फ्रेंड्स और एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ, वह जरूर घास पर चल रहा होगा, है ना, यहाँ पे भी क्या है, जरूर हो रहा है तो मस्ट लगेगा, रहा होगा तो बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा, ही, अब अपने को यहाँ पे मॉडल कौन सा लगाना है, मस्ट बी, ही मस्ट बी, घास पर चल रहा होगा, चलने को क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं, लेकिन कंटिन्यू रहा तो आईएनजी फॉर्म लगेगा वॉक का, तो वॉकिंग किस पर, घास पर को क्या बोलेंगे, ऑन, घास को क्या बोलेंगे, ग्रास, ऑन ग्रास, ही मस्ट बी वॉक ऑन ग्रास। तो फ्रेंड्स ये थे आपका मस्ट बी मे बी माइट बी का कुछ एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको यहाँ पे इसका यूज बताया है। फ्रेंड आप भी चाहे तो ऐसे छोटे छोटे जरूर वाले शायद वाले ऐसे सेंटेंस ले लेके आप भी इसका यूज घर पे करते रहिए और मेरे वीडियो को देख के सीखते रहिए और अपने घर में भी बच्चों को सिखाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली में भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए मेरे वीडियो को, जिससे उनको भी ये फायदा मिल सके, घर बैठे इजिली सीख ले। कोई घुमावदार से तरीके से मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, तो कोई भी अगर मेरे वीडियो को देखेगा तो आसानी से घर बैठे इंग्लिश सीख सकता है, इंग्लिश बोलना भी उनको आ जाएगा, जरूर आएगा, बस मेरे वीडियो को दो चार बार आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स माई वीडियो।